ऋषि दर्शन। खेत खलिहानों के जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, जोहार, नमस्कार। किसान भाइयों का स्वागत करती है उनकी झुमकी बहन उनके अपने कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आइए, आज आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं। लेकिन सबसे पहले हम कृषि समाचार से शुरुआत करते हैं, तो चलिए आपको ले चलते हैं कृषि समाचार की ओर और देखते हैं कि क्या क्या है आज के कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान डोभा निर्माण के लिए ले सकते हैं सरकारी अनुदान। बरसात में मुर्गियों के आवास प्रबंधन पर दे विशेष ध्यान। उड़द के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद पंत उड़द 19। अब समाचार विस्तार से। किसान भाई, आप यदि डोभा बनवाना चाहते हैं तो सरकारी सहयोग प्राप्त करने के लिए अपने प्रखंड कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं, जिसकी अनुमति जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से मिलेगी। काम शुरू होने से पहले 40% अनुदान और डोभा निर्माण पूरा होने पर शेष 60% अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी जो प्रत्येक जिला में एक जो कृषि जो कार्यालय है उसी विभाग में एक जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी उस कार्यालय में जाकर आवेदन लेंगे और आवेदन को भरकर प्रखंड में पहले जमा करेंगे। प्रखंड से यह सीधा आवेदन जो है उनका वो जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी के पास जाता है और उनके पास आवेदन जाने से जो उनका जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में सीधा फर्स्ट फेज में 40% और बाकी कार्य निर्माण होने पर वो 60% पैसा उनके अकाउंट में चला जाता है। राज्य के किसानों को प्रतिकूल मौसम से होने वाली हानि से बचाने के लिए भारतीय मौसम विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय केंद्र पलांडू राज्य की ओर मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के किसान इसका लाभ उठाएं। पूरे झारखंड में भारतीय मौसम विभाग एवं हमारे जो झारखंड राज्य का जो हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है वो मौसम से संबंधित जानकारी और मौसम आधारित कृषि तकनीक की भी जानकारी SMS के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से वो उपलब्ध करा रही हैं, मुहैया करा रही हैं, किसान उसका लाभ उठा सकते हैं। बरसात के मौसम में मुर्गियों का आवास प्रबंधन कुछ इस प्रकार करें। बारिश में आवास के हवादार स्थान के साथ खिड़की दरवाजे को प्लास्टिक से ढक दें। हर दिन पेयजल बर्तन को अलग अलग जगहों पर रखें। यदि मुर्गियों के बिछावन में नमी आ गई हो या भींग गया हो तो उसे फौरन बदल दें। आवास प्रबंधन में मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान रखना चाहिए। एक, आवास के बाहर से इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आवास में जो हवा के लिए छोड़े हुए जो जगह रहते हैं या खिड़कियां दरवाजे रहते हैं उन सबों से पानी का जो छींटा है वो सीधे तौर पे अंदर ना आ पाए, जिससे कि उसका बिछावन भींग नहीं पाए। इसके अलावा जो आवास के अंदर की कुछ बातें हैं जिसमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हम पानी के बर्तन रखते हैं उन आसपास में प्रायः भींग जाते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी के बर्तनों को हर दिन हम जगह बदल कर रखें। किसान भाई, खरीफ मौसम में दलहनी फसल उड़द की खेती के लिए मध्य जून से मध्य जुलाई तक फसल लगाने का काम पूरा कर ले। अच्छी उपज के लिए झारखंड के लिए किन अनुशंसित उन्नत प्रभेदों को लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, उड़द की जो प्रजाति है जो झारखण्ड में उपयुक्त है वो है पंत उड़द 19, T9, ईर्षा उड़द 1, और इसको उड़द को लगाने का उचित समय जो है 15 जून से 15 जुलाई।
राज्य के किसान अपनी फसलों में दवा का छिड़काव करने के लिए कृषि उपकरण नैपसैक स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक, पीतल या सफेद चादर का बना होता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। ये 10 से 12 लीटर की टंकी में उपलब्ध है, जिसका वजन करीब 7.5 किलो है। आज हम जानेंगे गोभी वर्गीय फसलों में रासायनिक दवाइयों के बिना कीट नियंत्रण के उपाय। रासायनिक कीटनाशी दवाइयों के उपयोग किए बिना भी गोभी वर्गीय फसलों को कीटों के हमलों से बचाया जा सकता है। इसके लिए किसान अपने खेत में फूलगोभी और पत्ता गोभी फसल कतारों में लगाएं। गोभी के 25 कतार के बाद 2 कतार सरसों फसल लगाएं। इसमें एक बात का ख्याल रखें कि पहला और अंतिम कतार सरसों फसल का ही रखें। अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। देखा ना आपने कि इसमें है खेती से जुड़ी हुई जानकारी, मौसम का मिजाज था और बाजार का भाव था। तो चलिए आगे चला जाए, लेकिन रुके रुके थोड़ा सा रुक जाइए। एक छोटा सा विराम है, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपको कुछ खास दिखलाते हैं। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिकर ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा कर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, ऐसा है कि आप पारंपरिक खेती तो करते ही हैं, अब आप वैज्ञानिक खेती की ओर भी अग्रसर हो जाइए, क्योंकि वैज्ञानिक खेती से आपकी फसल की पैदावार अच्छी होगी। वैज्ञानिक खेती में आप जानेंगे उन्नत प्रभेद के बारे में, उर्वरक के बारे में और सिंचाई की सुविधाओं के बारे में और भी बहुत सारी बातें। चलिए आज हम देखेंगे कि लत्तेदार फ्रेंच बीन और बोधी की वैज्ञानिक खेती आप कैसे करेंगे, उससे लाभ आपको कैसे मिलेगा। विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं आपके साथ, आइए और देखते हैं ये कार्यक्रम। झारखंड में उगाई जाने वाली लत्तेदार फसलों की श्रेणी में फ्रेंच बीन और बोधी, जिसे लोबिया या काउपी भी कहते हैं, का प्रमुख स्थान है। लेग्यूमिनेसी कुल की ये फसलें पौष्टिकता से भरपूर होती हैं और इनकी फली के साथ साथ सब्जी फसल के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इन फसलों के उत्पादन के लिए जल निकासी वाली पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी अच्छी मानी जाती है। चूंकि ये फसलें लत्तेदार होती हैं और पौधों को सहारे की जरूरत होती है, इसलिए ऐसी जमीन का चुनाव करें जहां पौधों के लिए सहारे की व्यवस्था की जा सके। मुख्यतः ये बारिश के मौसम में लत्तेदार बीन और बोधी की खेती की जाती है। इस बीन और बोधी की खेती के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ताकि ज़मीन पे ये इसकी लत्तर न लपटे लगे, जिससे इसका फल ख़राब ना हो। तो इसको या तो सहारा देकर हम लोग सपोर्ट देकर, चाहे बांस की सहायता से या वायर की सहायता से इसको ट्रेनिंग करते हैं इसकी, या तो फिर इसको जो है मक्का के साथ, जो कि खरीफ में हमारे किसान भाई करते हैं, 2 लाइन मक्का के बीज, 3 लाइन काउपी की को लगाकर भी या फ्रेंच बीन को लगाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। जून जुलाई के महीने में उपजाई जाने वाली इन फसलों की सीधे बुआई की जाती है, इसलिए बरसात के पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर ले। जुताई के बाद उर्वरक मिला ले और 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बना ले।
पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। अंतः फसल के रूप में मक्का के साथ फ्रेंच बीन एवं बोदी की खेती की जा सकती है। फ्रेंच बीन है या बोदी है, इनकी बुआई जो है जून जुलाई में हमारे यहाँ की जाती है, और इनकी बुआई करने के लिए सीधे इसको जो है खेत में हम लगाते हैं, जैसे अन्य दलहन फसलें लगाते हैं। और इनकी बुआई के लिए जो उपयुक्त समय मैंने बताया जून जुलाई, उस समय बारिश हो रही होती है, तो खेत की को ठीक से 2-3 बार जोत के और उसके बाद लाइन से इनकी सोइंग कर देते हैं। इनकी सोइंग के लिए दोनों ही, चाहे वो फ्रेंच बीन है या काउपी है, 1-1 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं इसमें आपका लाइन से लाइन, और 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हैं पौधे से पौधे में। इस प्रकार इनकी बुआई सीधे खेत में की जा सकती है जब ये मुख्य फसल के रूप में लिए। अच्छी फसल के लिए आवश्यक और संतुलित खाद एवं उर्वरकों का इस्तेमाल करें। खेत में 15 से 20 टन कंपोस्ट, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम पोटाश और इतनी ही मात्रा में फास्फोरस खेत में डालें। मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करवा लें और आवश्यकतानुसार उर्वरकों एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का खेत में इस्तेमाल करें। अन्य दलहन फसलों की तरह ही इसमें कंपोस्ट की मात्रा जो है 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर रखते हैं। इसके अलावा 60 कुंटल नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटास की इसकी खेती के लिए औसतन आवश्यकता होती है। हालांकि जो उर्वरकों के प्रयोग की जहां तक बात है, तो किसान भाई इस मिट्टी जांच करवा कर ही उर्वरकों की मात्रा का प्रयोग करें। अच्छी आमदनी के लिए उन किस्मों का चुनाव करें जो अधिक फलन दे और जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो। लतेदार फ्रेंच बीन के लिए स्वर्ण पूसा, स्वर्ण लता, बिरसा प्रिया, केंटकी वंडर अनुसंशित किस्में हैं जो 50 से 60 दिनों के अंदर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। स्वर्ण हरिता, स्वर्ण श्वेता और स्वर्ण शुक्ला बोदी की प्रमुख किस्में हैं जो 50 से 60 दिनों के अंदर तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है और इनमें मोजाइक वायरस का प्रकोप नहीं होता है। लत्तेदार फ्रेंच बीन के लिए स्वर्ण पूसा हेमलता और स्वर्ण लता, ये दो किस्में यहाँ के लिए काफ़ी अनुकूल पाई गई हैं। इनमें 55 से 60 दिन पे पहली तुड़ाई इनकी हो जाती है और औसतन 150 से 200 क्विंटल के बीच इनका उत्पादन होता है। तो फ्रेंच बीन के लिए इन दो प्रजातियों का किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक बोदी की बात है, तो इसके लिए हमारे यहाँ की जो ICR पलांडू की वैरायटियाँ हैं, स्वर्ण हरिता है जिसकी की गाढ़ा हरा रंग की फली होती है, काफ़ी लंबी 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी फली होती है। उसके अलावा स्वर्ण श्वेता है जो कि सफ़ेद रंग की फली होती है, रेसेदार युक्त कम रेसे वाली फलियां होती हैं, गूदेदार फलियां होती हैं और बोल्ड इसका बीज होता है। और इसकी जो औसतन हरिता से थोड़ा कम लंबाई होती है, 35 से 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई पाई जाती है। इसके अलावा स्वर्ण सुफला एक प्रजाति है जिसमें सबसे अधिक बोल्ड सीड पाया जाता है, हल्का हरा रंग की उसकी फलियां होती हैं जो कि 35-40 सेंटीमीटर के बीच की पाई जाती हैं। इन सभी में लगभग 55 से 60 दिन के बाद पहली तुड़ाई प्रारंभ होती है। इन जो हमारे हार्प सेंटर से प्रजातियां निकली हैं, इनकी एक और खासियत है कि इनमें जो एक वायरस आता है काउपी में, ये मोजैक वायरस जिसे बोलते हैं, ये वायरस भी नहीं लगता है और रस्ट की बीमारी भी इन प्रजातियों में कम ही पाई जाती है। बीजों की बुआई से पहले उपचार अवश्य करा ले। रासायनिक विधि से उपचारित करने के लिए वेबिस्टी नामक दवा का उपयोग करे, जबकि जैविक विधि से भी बीजों को गोमूत्र और राख का उपयोग कर उपचारित किया जा सकता है। राइजोबियम कल्चर का प्रयोग फसल के लिए लाभदायक है। बुआई से पहले बीज को उपचारित कर लेंगे, बीज उपचार के लिए राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करेंगे, साथ ही साथ किसी फंगीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम सबसे प्रचलित फंगीसाइड है जो बेवेस्टिन के नाम से अभी आता है, 2 ग्राम प्रति किलो सीड के लिए उसका व्यवहार कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए देसी तकनीकी, जो घरेलू तकनीकी है, उसके लिए 1 भाग गौमूत्र को 2 भाग पानी में मिला के उसमें 1/2 घंटे के लिए बीज को डुबो दें, उसके बाद बीज को छान के और राख उस पर राख रगड़ दें ताकि राख अगर बीज पे चिपक जाएगा तो जो खेत में देखा जाता है चिड़िया वगैरह आप बुआई के बाद खेत से बीज चुन लेते हैं या कोई कीड़े ऐसे होते हैं जो खेत में बीज को
प्रभावित करते हैं, ये दोनों समस्याओं से निदान हो जाएगा। साथ साथ उसमें गौमूत्र से ट्रीटमेंट होने के कारण बीमारियों का प्रकोप भी कम पाया जाएगा। फ्रेंच बीन और बोदी की खेती से किसान लागत मूल्य की 3 से 5 गुना मुनाफा तो कमा ही सकते हैं। यह मिट्टी की सेहत के लिए भी उपयोगी खेती है। तो देखा किसान भाइयों कि लतेदार फ्रेंच बीन और बोदी की अगर वैज्ञानिक खेती आप करते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, कैसे लाभ मिलेगा। तो फिर से आगे चलेंगे अगली जानकारी की ओर, लेकिन थोड़ा सा फिर से रुकेंगे हम एक छोटे से विराम के लिए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरूप फोर्ट। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और एक जानकारी और है आपके लिए, एक विशेष बात और है आपके लिए। अब हम लेकर आए हैं कि सब्जियों में जैविक पोषण आप कैसे करेंगे ताकि सब्जियों की पैदावार बढ़े और आपको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले। फिर से विशेषज्ञ आपके साथ जुड़े हैं आपको जानकारियाँ बताने के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं। ये सब्जी फसल की बेहतर पैदावार के लिए पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के 2 स्रोत हैं, पहला जैविक और दूसरा रासायनिक। भारत जैसे देश में जैविक खेती की प्राचीन परंपरा रही है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन आपूर्ति करने के साथ साथ अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए विगत कुछ दशकों से रासायनिक उर्वरकों का खेतों में अंधाधुंध प्रयोग किया गया है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति, जल धारण क्षमता, पर्यावरण और मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। फलस्वरूप जैविक पोषक तत्वों और जैविक कीटनाशकों का उपयोग समय की मांग है। दरअसल जैविक कृषि खेती की वह पद्धति है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर जैविक खाद तैयार की जाती है। जैविक पहली बार थोड़ा सा घाटा होगा, हो सकता है, मगर एक साल के बाद ही हम लोग देखते रहेंगे हम लोग का फसल का व्यय घटते रहेगा, आय बढ़ते रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पौधे का जो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कीड़ा बीमारी बहुत कम होगा और पोषक तत्व तो जैसे अंग्रेजी खाद बाहर से देने का जरूरत नहीं होगा, कम जरूरत होगा, क्योंकि जो हवा में हम लोग जो मालूम है 78-79% नाइट्रोजन रहता है, तो एजोटोबैक्टर राजोस्पाइल जमीन में ज़्यादा जो हो जाएगा तो हवा से नाइट्रोजन खींच लेगा। ऐसे ही फॉस्फोरस भी जमीन में जो है जो पौधा नहीं ले सकता है वो भी लेने के लायक करके देगा। ऐसे ही पोटास, ऐसे ही दूसरा अनुखाद्य भी, मतलब हम लोग प्रकृति में जितना चीज़ है जो पौधा नहीं ले सकता है वो जीवाणु वो सब पौधे के लेने के लायक कर देता है, इसलिए बाहर से देने का जरूरत बहुत कम होता है। किसान भाई अपनी फसल को पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए सस्य गव्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए गोबर, गोमूत्र, सब्जी के छिलके और पानी की आवश्यकता होती है। आमतौर पर सस्य गव्य बनाने के लिए आवश्यक संसाधन किसानों के घरों में ही उपलब्ध हो जाते हैं। इनका उपयोग कर सस्य गव्य बनाकर किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस सहित अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व अपनी फसल को कम मेहनत और कम लागत में मुहैया करा सकते हैं। इसे तैयार करने में 10 से 12 दिन का समय लगता है। जो जैविक तरल खाद है ये बनाने का विधि है, जैसे 1 भाग गोबर, 1 भाग गौमूत्र, 1 भाग सब्जी का छिलका और 10 भाग पानी, ये लेकर अगर कम से 10 से 12 दिन हम लोग रखेंगे। हर एक दिन सुबह शाम 10 बार का दाएं तरफ और 10 बार बाएं तरफ घुमाना है, तो 10 दिन के बाद ये जो तोल तैयार हो जाएगा ये हम लोग जमीन में दे सकते हैं। इसी तरह गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घी का मिश्रण बनाकर पंचगव्य बना सकते हैं। 3 किलोग्राम पंचगव्य 100 लीटर पानी में घोलकर यदि 15-15 दिनों के अंतराल में फसलों में छिड़का जाए तो यह फसल की प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाता है, शत्रु कीटों का नाश और मित्र कीटों को बढ़ाता है तथा पौधों को उनकी बढ़वार के लिए आवश्यक हार्मोन निर्माण के लिए सहायक होता है। गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी 5 भाग 5, 3, 2, 2, 1
ये रेशियो में हम लोग पंचगव्य बना सकते हैं। पंचगव्य बनाने का विधि भी ऐसे ही है, जो गोबर है गोबर के साथ घी जो मिलाना है, मिलाने का उसके साथ साथ दही दूध और गौमूत्र देना है, ये मिला के हम लोग का 10 से 12 दिन रखना है। 10 से 12 दिन के बाद ये तैयार हो जाता है। ये हम लोग इसके बाद 3 से 4 माह आराम से रख सकता है। 3 केजी पंचगव्य 100 लीटर पानी में मिला के कोई भी फसल में 15 दिन छोड़ के स्प्रे करेंगे, हम लोग दिखाई देगा जो फसल का स्वादिष्ट भी होगा, फसल का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और फसल का कीड़ा बीमारी भी अच्छा होगा, क्योंकि ये पोषक तत्व भी देता है, साथ साथ फायदाकारी जीवाणु भी देता है, जो जीवाणु हम लोग का जो क्षतिकारक जीवाणु है उसको मार देता है, साथ साथ इसको हार्मोन देता है जो हार्मोन हम लोग का पौधे को बढ़ाने के लिए भी मदद करते हैं। किसान बेहतर उत्पादन के लिए बीज संजीवनी का भी उपयोग कर सकते हैं। पंचशस्य पंचगव्य और बीज संजीवनी के उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती है, फसल पर कीड़े मकौड़े कम लगते हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रतिकूलता और आर्थिक बोझ से बचा जा सकता है। और बीज लगाएंगे तो बीज को बीजोपचार करके जो संजीवनी है, इस संजीवनी से 1 भाग गोबर 1 भाग गौमूत्र और 2 भाग पानी, पानी से 20 संजीवनी बनाता है। तो 20 संजीवनी के कोई भी बीज को हमें 10 से 15 मिनट माने जो बीज का जो ऊपर का कोट है पतला है उसका 10 मिनट और जिसका मोटा है जैसे कद्दू वगैरह वो हम लोग 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा भी दुबा, धान 12 घंटा भी दुबा के रख सकते हैं। ऐसे दुबा के उसको बाद ही बीज तला में लगाना है। तो पौधे जब 21 से 30 दिन तक जो एक एक फसल के लिए जैसा है जरूरत होता है वो जब तैयार हो जाएगा तो 20 तला से निकालने के बाद भी पौधे को ये बीज संजीवनी में कम से कम 20 से 25 मिनट डुबा के रखना है। डुबा के उसके बाद ही पौधे में लगाएंगे तो पौधे का जैसा आदमी लोग का वैक्सीनेशन टीका होता है ऐसे ये पौधे का भी टीकाकरण हो जाता है। जैविक खेती के लिए पशुधन का होना एक आवश्यक शर्त है। जैविक खेती के लिए किसान भाई समेकित खेती करें, इससे उनकी लागत कम होगी और मुनाफा भी दोहरा होगा। जैविक विधि में करना है तो ये जो गोबर कंपोस्ट खाद जो बताए ये बाहर से खरीद करके कोई किसान कर सकता है, इसका खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका फायदेमंद होने का चांस बहुत ही कम है। इसे जैविक विधि करने के लिए किसान का घर में गोरु होना ही चाहिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी समेकित खेती होना चाहिए। मतलब खेती के साथ फसल का खेत जो होगा, साथ साथ गाय पालन, साथ साथ बकरी पालन, साथ साथ मुर्गी पालन, ये सब चीज़ होगा तो क्या होगा, एक जो यूनिट मतलब गोबर जैसे डेयरी का गोपालन जगह उसके जो गोबर होगा गौमूत्र होगा जमीन में जाएगा और जमीन में जो खार होगा जो फसल का अवशेष आएगा वो गाय का या बैल को खिलाएंगे तो ये फसल का इसके किसान का व्यय बहुत कम हो जाएगा, आय भी बहुत ज्यादा होगा, सब चीज़ सही उपाय होगा। जैविक खाद एवं उर्वरकों के इस्तेमाल से खेती टिकाऊ होती है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, उत्पाद स्वादिष्ट होते हैं और बाजार में इसकी कीमत अच्छी मिलती है। तो है जो बाजार में जितना जो सब्जी मिलता है, हमने विश्वविद्यालय और बहुत सत संस्थान इसका बहुत रिसर्च किए, बहुत रिजल्ट भी हमने पेपर में बीच में देखते रहता है, रिसर्च पेपर में देखता है, जो वहाँ पे जो जहरीला मतलब बहुत है जो हमारे आदमी के लिए बहुत खतरा है, तो इसका भी कारण है, बहुत हम लोग का भी कैंसर पेशेंट दिन के दिन ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसके लिए स्पेशली जो सब्जी हम लोग कच्चा खाता है जैसे खीरा मिर्चा ये अच्छा बहुत खतरा है, इसके लिए जैविक विधि अपनाना आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा हमें जितना दिन जाएगा हमें बीमार ज़्यादा होता रहेगा। और जैविक विधि में करने से हम लोग अमेरिका में पर ये लगभग 60 साल का डेटा मेरे पास ही है, जो वहाँ पे भी देखा है, हम लोग भी यहाँ पे भी विश्वविद्यालय में जो रिसर्च कर रहे हैं जो देखा है जो जैविक विधि में जो करता है उसका स्वाद भी अच्छा रहता है, उसका पोषक तत्व भी अच्छा रहता है जो पौधे मन आदमी के लिए लाभदायक है। स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ साथ टिकाऊ और दीर्घकालिक खेती के लिए किसान भाई उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर जैविक खेती अपनाएं। यह सरल सहज तो है ही, खेती किसानों के सुनहरे भविष्य का सशक्त कदम भी है। तो देखा किसान भाइयों, विशेषज्ञ जैसे ही आपके साथ जुड़ते हैं आपके लिए जानकारियों का खजाना आ जाता है। तो आज आपने देखा कि सब्जियों में पोषक तत्व अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सब्जियां कैसे लहलहा उठती हैं और आपको अच्छी से अच्छी पैदावार मिलेगी। अब रुकिए भाई, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी थोड़ा सा और रुकना है, पता बताना है आपको। कार्यक्रम का पता जहां आप अपनी समस्याएं सुझाव और जानकारियां लिख भेजेंगे। फटाफट अपनी कॉपी निकालिए,
पेंसिल पेन सब कुछ निकाल लीजिए और पता लिखिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची पिन संख्या 834001। आज आपके लिए बहुत सारी बातें थी, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी। अब कार्यक्रम को अंत करते हैं और हमारी टीम और मुझे अपनी झुमकी बहन को विदा दीजिए। जोहार, नमस्कार।